क्वेश्चन नंबर 41 इस पूरी एक्सरसाइज में शायद यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, करते हैं इसको। बात को ये समझना है कि मुझे यहां पर इस सिस्टम के ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, बट पहले मैं बात करता हूं इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम। इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम, राइट, जब इक्विलिब्रियम के लिए ये वाला ब्लॉक कुछ एक्स वन एक्सपेंड हुआ होगा, क्यों? क्योंकि इस पे नीचे की तरफ क्या लग रहा था? एम वन जी। और इस पे नीचे की तरफ जब एम वन जी लग रहा होगा तो इस स्प्रिंग, ये स्ट्रिंग पर, ये स्ट्रिंग इस पे ऊपर की तरफ क्या लगाएगी? कोई टेंशन टी वन लगाएगी। बोलो हाँ या ना? और ये इस समय पे इक्विलिब्रियम में होंगे। तो पहली बात तो मेरे को यहां पे लिख देनी चाहिए T1 equals to mg, equation number one. यहां टेंशन T1, तो यहां पे भी टेंशन T1, यहां पे टेंशन T1, और यहां भी टेंशन T1 ही होगा। सुनो जी, ये जो पुली है इसका कुछ मास है। मैंने आपको सिखाया था अगर पुली मासलेस हो तो दोनों तरफ टेंशन सेम होता है, पर वहां पे एक शर्त और भी है। आप रोटेशन भी पढ़ चुके हैं, NLM भी पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं कि जब तक ये पुली रोटेट नहीं करेगी तब तक दोनों तरफ टेंशन डिफरेंट नहीं होंगे। और ये जो पुली दे रखी है कैसी दे रखी है? फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस का मतलब पुली ऐसी कैसे रखेगी रहेगी और स्ट्रिंग सिर्फ डायरेक्ट पास होगी। इसका मतलब दोनों तरफ टेंशन क्या रहेंगे? सेम, रोटेट नहीं कर रही। आप याद करो ना, आपको सिखाया था रोटेशन में, इधर भी T1, इधर भी T1, तो ये एक्सेस ऑफ रोटेशन के अबाउट, इसका क्लॉकवाइज टॉर्क T1R और इसका एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क माइनस में T2R इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? माइनस में T1R इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? जीरो। और जीरो कब आएगा? जब रोटेशन नहीं कर रही हो, यानी कि रोटेशन नहीं करे तो दोनों तरफ टेंशन क्या रहेंगे? सेम। कुल मिला के बात ये कि जब तक ये पुली रोटेट ना करे तब तक दोनों तरफ टेंशन सेम। तो ऊपर क्या लगा? T1 और T1, ऊपर लगा 2T1, नीचे तरफ इस पुली का क्या लग रहा है? वेट कितना? M2G, और स्प्रिंग भी एक फोर्स लगा रही है। दूसरी बात, जब ये स्प्रिंग X1 बाय 2 ऊपर जाएगी तो ये वाली स्ट्रिंग, ये वाला ब्लॉक नीचे कितना आएगा? X1। भाई ये वाली पुली X1 बाय 2 ऊपर गई तो X1 बाय 2 स्ट्रिंग यहां से फ्री हुई, X बाय 2 रस्सी यहां से फ्री हुई, तो टोटल कितनी रस्सी फ्री हुई? X1। और ये वाला ब्लॉक नीचे X1 चला गया, तो यानी कि जब ये नीचे X1 आ रहा है तो ये पुली कितना ऊपर जा रही है? X1 बाय 2। तो नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा इस स्प्रिंग की वजह से वो कितना लगेगा? K X1 बाय 2। और सिस्टम इक्विलिब्रियम में ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे? T1 और T1 टू T1। नीचे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे? M2G और KX1। तो 2T1 किसको बैलेंस करेगा? M2G प्लस KX1 बाय 2 को बैलेंस करेगा। T1 की वैल्यू वहां से ले आओ तो क्या आएगा? ये इक्वेशन नंबर 2। तो 2M1G, ये था M1G, ये M1G था, 2M1G इक्वल्स टू M2G प्लस KX1 बाय 2। दिस इज फॉर द इक्विलिब्रियम स्टेट, सही है। अब मैंने क्या किया? अब इस ब्लॉक को थोड़ा सा और नीचे ले जाके छोड़ दिया। कितना नीचे और ले गया मैं? अब ले गया इसको x। अब नीचे x ले गया तो इक्विलिब्रियम से ज्यादा मैंने इसको क्या किया? नीचे पुश किया, तो स्प्रिंग में ज्यादा प्रसार हुआ। स्प्रिंग में ज्यादा एक्सपेंशन होगा तो स्प्रिंग ज्यादा फोर्स नीचे लगाएगी, तो यानी कि इस पूरे सिस्टम पे इस पुली को नीचे आने के लिए और इस ब्लॉक को ऊपर जाने के लिए फोर्स मिलेगा। हाँ या ना? तो इस समय पे क्या कंडीशन है? इस ब्लॉक पर ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो कोई T1 डैश लगेगा, और इस पे नीचे की तरफ क्या लग रहा है? M1G लग रहा है। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इसका एक्सेलरेशन M1 इनटू A, M1 इनटू A। ऊपर ले जाने वाला फोर्स T1 डैश और नीचे की तरफ लग रहा है M1G, तो ले जाना वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स इक्वल्स टू नेट फोर्स। नेट फोर्स को क्या लिखा? M1 इनटू A। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ये थी इक्वेशन नंबर 3, राइट। अब जरा इधर देखो, इधर भी क्या हो जाएगा? ये T1 डैश, ये भी T1 डैश, तो इसको ऊपर ले जाने वाला फोर्स कौन? 2T1 डैश।
नीचे लगने वाला फोर्स कौन, एम टू जी, और अब क्या लगेगा, ये जब x नीचे आएगा तो ये x बाय टू ऊपर जाएगी, तो नीचे कितना फोर्स और लगेगा, इसका टोटल प्रसार कितना हो गया, देखो फिर से बात करता हूं, स्प्रिंग नीचे फोर्स लगा रही है, कितना लगा रही है, k, टोटल प्रसार कितना हो गया, x प्लस एक्स वन बाय टू, एक्स वन बाय टू प्रसार पहले से था इक्विलिब्रियम के लिए, अब x बाय टू प्रसार और हो गया, तो टोटल प्रसार कितना हो गया, x प्लस एक्स वन बाय टू, ये टोटल फोर्स नीचे की तरफ, प्लस एक और फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, कौन, एम टू जी, और ऊपर की तरफ कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, माइनस का टू टी वन डैश, माइनस का टू टी वन डैश इज इक्वल टू, इस पर नीचे की तरफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा एम टू इन टू, इसका प्रसार x, तो इसको ऊपर, जब ये x नीचे आएगा तो ये ऊपर कितना जाएगी, x by 2, तो इसका नीचे की तरफ acceleration a, तो इसका acceleration ऊपर की तरफ a by 2, या इसका acceleration ऊपर की तरफ a, तो उसका acceleration नीचे की तरफ a by 2, तो क्या लिखूंगा, m2 into a by 2, बोलिए ये बात सही है। अब ये equation number 5, इन दोनों को सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं, 2 से मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 2 टी वन डैश माइनस 2 एम वन जी इक्वल्स टू 2 एम वन ए, और इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं के एक्स बाय 2 प्लस के एक्स वन बाय 2 प्लस एम टू जी माइनस 2 टी वन डैश इज इक्वल्स टू एम टू ए बाय 2, राइट, इनको सॉल्व किया तो 2 टी वन डैश प्लस का और 2 टी वन डैश माइनस का कैंसिल हो गए, के एक्स बाय 2 प्लस के एक्स वन बाय 2 प्लस एम टू जी, और ऊपर से आ रहा माइनस का 2 एम वन जी equals to right hand side में आएगा 2m1a plus m2a, बोलो हाँ या ना। यहां से ये कौन, m2g plus kx1 by 2 किसके इक्वल है, 2m1g के इक्वल है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे साहब, हाँ या ना, तो क्या बचा आपके पास, पहले उधर वाले लिख रहा हूं, अच्छा यहां पे by 2 और था, राइट तो उसको पहले एल से प्ले के लिख रहा हूं, देखो a1 a by 2 को तो कॉमन ले लेता हूं, तो हो जाएगा 4 m1 plus m2, बोलिए हाँ या ना, इज इक्वल्स टू इधर क्या बचेगा kx, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जो आपके पास आएगी उसको उधर ले जाओ 2k अपॉन 4 m1 plus m2 into x, हाँ जी ये acceleration displacement आपने किस तरफ दिया, नीचे, और ये acceleration किधर produce हो रहा है, ऊपर, तो इसको आप क्या लिखेंगे, minus में लिखेंगे, और इस acceleration को compare करेंगे minus में omega square x से, ये equation number 5 थी, तो ये equation number 6 और ये equation number 7, इन दोनों को compare किया तो आपके पास आ जाएगा omega square equals to 2k upon 4 m1 plus m2, इससे आपके पास टाइम पीरियड आएगा ओमेगा, ओमेगा को क्या लिखेंगे 2 पाई बाय कैपिटल टी, और इस 2 पाई बाय कैपिटल टी की वैल्यू 2k अपॉन 4 m1 प्लस m2 टी उधर बाकी सब इधर का अंडर रूट, इसका अंडर रूट, क्योंकि यहां पे ओमेगा स्क्वायर था, ओमेगा बनाया तो अंडर रूट लगाया, तो टी इक्वल्स टू 2 पाई 4 m1 प्लस m2 अपॉन 2k, ये आपके पास क्या गया टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ व्हाट, यहां आपने क्या निकाला है एक्सेलरेशन ए, ये ए किसका एक्सेलरेशन है, ए इसका एक्सेलरेशन इस एम1 का, तो ये किसका टाइम पीरियड हो गया, इसी का, किसका, सिर्फ इसका, राइट, बट उसके भी टाइम पीरियड की बात करो तो क्या होगा, जब ये एक्स मीन पोजिशन पर पहुंचेगा तो एक्स बाय 2 नीचे जाएगा, यानी कि वापस मीन पोजीशन पे आ जाएगा, ये एक्स ऊपर जाएगा तो ये और एक्स बाय 2 नीचे आ जाएगा, यानी कि दोनों के टाइम पीरियड क्या रहेंगे सेम, यस और नो।